ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव व आयोग के रविन्द्र नायक ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त विकास आयुक्त उग्रसेन पांडे के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रमुख सचिव व आयुक्त ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के रविन्द्र नायक ने आवास योजना को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा के कार्यों की भी समीक्षा की और कहा कि गाँव के विकास कार्यों में मनरेगा के मजदूरों को लगाया जाए तथा उन्हें हर हाल में 100 दिन की मजदूरी दी जाए। इस दौरान प्रमुख सचिव के रविन्द्र नायक ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यों में कोई लापरवाही न बरती जाए तथा शासन के निर्देशानुसार कार्यों को निर्धारित समय से पूरा कराया जाए जिससे ग्रामीणों को उन्हें उनका आवास मिल सके। यह मुख्यालय से एक पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी कोर्ट केस के संबंध में, तो उसमें निर्देश दिए गए थे कि वेबसाइट पर जितने भी मनरेगा से संबंधित कोर्ट के लंबित मामले हैं उनमें प्रतिशतपत्र तुरंत दाखिल कर दिया जाए। उसमें से मात्र रायबरेली और अमरोहा जनपद की सूचना प्राप्त हुई है, शेष जनपदों की सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि 70 दिन जिन मजदूरों ने काम पूरा कर लिया है उनको जो है जुलाई में चूंकि लक्ष्य लिया गया था कि उनको आगामी 1.5 महीने में जो है उनका 100 दिन पूरा कर दिया जाए, हम नहीं कर सके हैं। इसलिए सभी से जनपदों से अनुरोध है कि जिन मजदूरों ने 70 दिन का मानो दिवस पूर्ण कर लिया है उनको 30 दिन रेगुलर लगाते हुए माह दिसंबर में इसको पूरा कराने का प्रयास करें, जिनका 100 दिन पूरा हो गया है उस योजना से उनको लाभान्वित कराया जा सके। धन्यवाद। हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है आपका, आज उसका उन्होंने 2 बजे तक का समय लिया है, सलूशन निकल जाएगा। जब जो भी आवास हमारे सेंशन होंगे जैसे PMAYG की ID जनरेट होगी और ऑटो पोम्प होकर के आपके मनरेगा साफ पे चली जाएगी और मतलब उसमें निर्गत होंगे। आज इसका 2 बजे नहीं अभी कुछ दो बजे तक खत्म हो जाएगी, 2 बजे के बाद आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो प्राधिकारी है ग्राम पंचायत, तो ये एक अपर मुख्य सचिव से एक पत्र जारी हुआ है कि जो ग्राम पंचायत अगर सहमत हो ग्राम पंचायत उपलब्ध न हो तो निकटतम मानव से लेने के लिए वैसे गाइडेंस में भी है। सेम चीज को ACS साहब ने दस्तखत से रिट्रेट हुआ है, वो सप्लीमेंट हुआ नहीं? नहीं वो तो है तो लेकिन वो क्यों नगर निगम अधिकारी ग्राम पंचायत के हिसाब से गाइडेंस के हिसाब से जो ग्राम पंचायत में जो CSO की ग्राम पंचायत के लिए डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उनके लिए है। यदि वहाँ एग्जॉस्टेड है मतलब जो खत्म हो चुके वहाँ के पात्र व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो तब हम निकटतम ग्राम पंचायत से जो भी योग्य अभ्यर्थी को ले सकते हैं। इतना ही है, मुझे लोकेशन भी ऐसा ही है और यहाँ से गाइडलाइन भी ऐसे ही है। धन्यवाद। नमस्कार। बस यही है, रिकॉर्ड करो हमारी बात को और अपने फाइल पे निर्णय ले लो।